वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं पीवीपी वेंचर के बारे में। इस कंपनी के शेयर का प्राइस 4.43 रुपये यानी 4.43 रुपीज़। तो इस शेयर की जो आज की डे की क्लोजिंग है वो आपके सामने 1.7% इसने लो पे अपनी डे की क्लोजिंग दी है। सिंपल है, पैनी शेयर है, तो एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। बीएससी के ऊपर आए, बीएससी में आपके सामने यहाँ पर आ रहा है शेयर का जो डे का ट्रेडिंग पैटर्न था, जैसे कि ओपन हाई लो एवरेज प्राइस क्या था जिस पे ट्रेड हुआ था। ये 52 वीक्स हाई इसका 9.60 रुपीज़ यानी 9.60 रुपये है। 52 वीक लो 4.29 रुपीज़ अभी का प्राइस के आसपास इसका लो है। कितने शेयर ट्रेड हुए हैं आज की डेट में, तो वो है करीब 63,000 शेयर यानी करीब 43,000। टर्नओवर कितना था जो उनकी क्वांटिटी थी, 2,75,000। मार्केट कैप है इनका उस हिसाब से ठीक है, 107 करोड़ का है। अब अर्निंग पर शेयर माइनस में है, -0.53। अर्निंग पर शेयर कैश अर्निंग पर शेयर देखो वो भी है -0.50। पी देखोगे तो -8.26, पी भी देखोगे तो 0.18, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखोगे तो -2.23। अब पीवीपी की हम बात करते हैं यहाँ पर फोरकास्ट के ऊपर। अब जैसी फोरकास्ट के ऊपर आए हैं, किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है, पैनी शेयर है तो इतना कोई एनालिस्ट इन पर बताता भी नहीं है। फाइनेंस की बात करते हैं तो आप देखोगे इसके जो रिवेन्यू ग्रोथ रेट है वो माइनस में है, -35%, काफ़ी ज़्यादा पिछले 5 सालों का ये एवरेज है। और जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी माइनस में है, पर कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। मार्केट शेयर इनका डिक्रीज हुआ है, पर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, सिर्फ 0.3% इनका मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं इनके लास्ट 4 ईयर के फाइनेंस के बारे में। 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू था 58 करोड़, 2019 में ये घट के 48 करोड़, 2020 में 29 करोड़, 2021 में 19 करोड़ यानी करीब 19 करोड़ के आसपास। नेट इनकम देखोगे तो फाइनेंस ईयर 2018 में 62 करोड़ का लॉस, 2019 में 116 करोड़ का लॉस, 220 पे आप देखो 11 करोड़ का लॉस और 221 पे यानी 2021 में 80 करोड़ का लॉस। लगातार 4 सालों में कंपनी लॉस में, अच्छा खासा कंपनी को लॉस है। आप कहोगे कि लॉस तो कम हो रहा है 2020 में, पर आप देखो रिवेन्यू तो कम हो रहा है साथ के साथ। ये आप देखो यहाँ पर जितना इनका टोटल रिवेन्यू है उससे देखो डबल से भी ज़्यादा, या कहते आप लगा लो 3 गुना ज़्यादा इनको लॉस है। तो ऐसे किसी शेयर में पैसा मत लगाना, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं होता, जब कंपनी प्रॉफिट नहीं होता तो शेयर के प्राइस भी बढ़ने इम्पॉसिबल है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 50 ये ठीक है, 57% होल्डिंग प्रमोटर के पास है और प्रमोटर ने उसमें से करीब 0.41% होल्डिंग गिरवी रखी है। म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग, माइनर होल्डिंग ना के बराबर होल्डिंग है। DI की देखोगे तो DI की भी 0.18% होल्डिंग है। FI देखोगे तो FI इसमें से अपना पैसा निकाल चुका है, बाकी सारी होल्डिंग पड़ी है रिटेल पार्टी के पास और अदर पार्टी के पास। अब बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर। देखो पैनी शेयर है तो कोई अभी का यही है, एक इतना कोई शेयर में वॉल्यूम भी नहीं है, ना कोई पीक आ रहा है, तो अभी का वही है जो इसका 52 वीक लो है ना, तो यही आप SL रखो अगर कोई इसमें आप ट्रेड करना चाहते हो। अगर इसको ब्रेक करेगा तभी कोई डाउन साइड में गिरावट आएगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले शेयर के ऊपर जिसका नाम है सेरनिक लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 1.60 रुपये। इसकी डे की क्लोजिंग है करीब 3.2% इसने हाई पे अपनी दी है। एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। यहाँ देखो रिटर्न टू FD बेटर है, डिविडेंड अच्छा पे करता है, एंट्री पॉइंट के लिए गुड है। अब आते हैं फोरकास्ट के ऊपर। फोरकास्ट के ऊपर किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है। फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं तो आप देखोगे लास्ट 5 ईयर का जो उसका रिवेन्यू का ग्रोथ रेट है वो 2.2% है और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है 0.39%। मतलब लास्ट 5 ईयर की कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसका रिवेन्यू बढ़ रहा है। मार्केट शेयर भी इस कंपनी का इंक्रीज हुआ है 2018, 2019, 2020 और 2021। 2018 में इसका टोटल रिवेन्यू था 594 करोड़, जो 2019 में बढ़ के 838 करोड़ हो गया, 2020 में 796 करोड़ और 2021 में 368 करोड़। आप 2021 का कह सकते हैं कोरोना इफेक्ट है, पर एक बार नेट इनकम देख लेते हैं। 2018 में नेट इनकम थी इनकी करीब 7 करोड़ और 2019 में 10 करोड़ हो गई थी, 2020 में 11 करोड़। जैसे कि 2021 की बात करते हैं कोरोना इफेक्ट था, इस करके ये कंपनी लॉस में है, पर कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ का लॉस है, 1.4 यानी 1.5 करोड़ के आसपास का लॉस है। ओवरऑल देखो रिवेन्यू के हिसाब से लॉस बहुत कम है, फिर भी कोई इन्वेस्ट करता है एक बार क्वार्टर की इसकी परफॉर्मेंस देख लेना, क्वार्टर में कैसा है ये। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। अब प्रमोटर की बात करते हैं। देखो अभी इस समय है ना, इस कंपनी
कंपनी के पास 60% होल्डिंग प्रमोटर की है, उसमें से 60% जो होल्डिंग प्रमोटर की है उसमें प्रमोटर 32% होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, और प्रमोटर लगातार इसमें अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहा है, लगातार होल्डिंग कम कर रहा है आपके सामने। लगातार अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 में फिर इसने और कम करी, फिर और कम करी, और लगातार होल्डिंग कम कर रहा है, और मैक्सिमम होल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग गिरवी रखी है। अब एक बार बात करते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है, DI की कोई होल्डिंग नहीं है, FI की कोई होल्डिंग नहीं है, रिटेल की बाकी सारी होल्डिंग है रिटेल के पास। अब ऐसे कंपनी देखो, प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहा है और कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है और यहाँ पर शो कर रहा है, डिविडेंड भी अच्छा पे करता है, तो आप कोई बड़ी होल्डिंग मत रखना इसके ऊपर, क्योंकि एक बार स्टेबिलिटी आन तो कई बार ऐसा होता है कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी अपने शेयर, अपनी जो कंपनी के प्रमोटर पर जो होल्डिंग होती है उसके कुछ शेयर या तो गिरवी रख देती है या उसको बेच के पैसे ले लेती है मार्केट से। तो दोनों केस होते हैं, कंपनी ने चलाना है अपनी कंपनी को, मालिक ने, तो वो कुछ भी करता है, उसको मेन काम है कंपनी चलाने का, और कंपनी प्रॉफिट में आ रही है तो ऑल अबाउट ठीक है, पर फिर भी बहुत बड़ी होल्डिंग मत रखना, पैनी शेयर है इसलिए कह रहा हूँ। अब एक बार देखो लेवल के ऊपर इसमें कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एक तो इसका ना अभी देखो 50 डे में देखोगे वो सब आसपास ही है, मतलब प्रॉपर आप चार्ट बना के देखोगे ना तो प्रॉपर इन पे आता है कि 20 पैसे 10 पैसे अप डाउन जाता है, तो 150 रुपये का इसमें आप क्या मतलब कैसे लेवल भी लगाओगे, तो अपने एंड पे स्टडी करो, अगर आपको लगता है इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप करो, और पर फिर भी बहुत बड़ी होल्डिंग मत करना, और लास्ट 4 क्वार्टर के आपने ज़रूर देखने क्वार्टर की परफॉर्मेंस इसकी कैसी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के, किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।